गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल क्लासरूम में। एंड आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा नंबर सिस्टम रहेगा। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से समझा पाऊं। एंड आप वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम नंबर सिस्टम में करने वाले हैं कि नंबर्स नेम्स क्या होते हैं, उनकी स्पेलिंग्स एंड तो शुरू करते हैं हम। जैसे सबसे पहले काउंटिंग में जो क्या आता है, वन आता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक स्टार। स्टार आप कहाँ देखते हो? आसमान में देखते हो। तो आपने कभी काउंट करने का सोचा होगा कि कितने स्टार्स होते हैं, हम काउंट क्यों नहीं कर पा रहे इनको, एंड स्टार्टिंग कहाँ से होती है? किसी भी जो काउंटिंग की स्टार्टिंग होती है वो होती है वन से। तो वन को हम कैसे लिखेंगे? वन, वन को हम ऐसे लिखेंगे। एंड इसकी स्पेलिंग भी साथ साथ लर्न करते हैं। स्पेलिंग होगी ओ एन ई, ओ एन ई वन। व्हाट इज दिस वन? हमने क्या देखा यहां पे? स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? आसमान में होते हैं। एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम वन, तो वन लिखा जाता है एंड उसकी स्पेलिंग होती है ओ एन ई वन। वन के बाद काउंटिंग में क्या आता है? टू। क्या आता है? टू। एंड काउंट करते हैं, व्हाट इज दिस वन एंड टू। जब वन और वन को हमने ऐड किया तो क्या बना? टू। वन प्लस वन, तो ये क्या हो गया? टू। तो टू की स्पेलिंग हम लिखते हैं टी डब्ल्यू ओ। व्हाट इज दिस टू? नेक्स्ट हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे। एंड हमने यहां पे क्या बना रखा है? पेंसिल्स। क्या बना रखा है? पेंसिल्स। तो ये है वन पेंसिल, उसके बाद ये है सेक, और ये भी है वन। तो जब इन तीनों को वन वन एंड वन को जब ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, क्या बन जाता है? थ्री। क्या बनेगा? थ्री। तो दीज आर थ्री पेंसिल्स। पेंसिल से आप क्या करते हैं, नोटबुक में लिखते हैं एंड ड्रॉइंग्स बनाते हैं। तो इसकी स्पेलिंग लर्न करते हैं टी एच आर ई एंड ई थ्री। व्हाट इज दिस थ्री? टी एच आर डबल ई थ्री। थ्री के बाद क्या आएगा? फोर। फोर क्या आएगा? फोर। और फोर पे हमने क्या लिख रखा है, यहां पे क्या बना रखा है हमने? बटरफ्लाईज। आप सभी ने बटरफ्लाईज तो देखी होंगी। हमने यहां पे बना रखी है वन टू थ्री एंड फोर बटरफ्लाईज। तो फोर की हम स्पेलिंग लर्न करते हैं एफ ओ यू आर फोर। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या आएगा? फाइव। एंड फाइव पे क्या बना हुआ आप देखिए, दीज आर टॉफीज। एंड सभी बच्चों को टॉफी खाने तो बहुत पसंद होती ही है, तो सब अपने पसंद की टॉफी जब भी आप मार्केट में जाते हो तो क्या करते हो, पापा मुझे टॉफी दिला दो, मम्मी मुझे टॉफी खानी है, ये करना है वो करना है। तो दीज आर टॉफीज। काउंट करते हैं वन 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 एंड वन। जब काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। दीज आर फाइव टॉफीज। एंड फाइव की स्पेलिंग क्या होगी? एफ आई वी ई। व्हाट इज दिस फाइव? आप इसको लर्न करना अच्छे से, इनकी स्पेलिंग्स को। एंड जब भी आप फाइव लर्न करोगे तो आपके माइंड में क्या आएगा? टॉफीज। क्या आएंगी? टॉफीज। नेक्स्ट आता है फाइव के बाद सिक्स। क्या आता है? सिक्स। और यहां पे हमने क्या बना रखा है? दीपक, दिए। दिए कब जलाए जाते हैं? दिवाली पे। अब और अब आगे दिवाली आ रही है। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि दिवाली पे जो है दिए ही क्यों जलाए जाते हैं? वैसे तो मोमबत्ती भी जलाते हैं बट दिए ही क्यों जलाए जाते हैं? मैं आपको बताता हूँ। दिए जलाने का रीजन क्या होता है कि हम जो देसी जो हमारा घी होता है उसका जब जो होता है वो पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए ये बोला जाता है कि दिवाली पे ज्यादा से ज्यादा देसी घी के दिए जलाने होते हैं। तो इस बार आप दिवाली पे क्या करेंगे कि जब भी आप दिए जलाएंगे तो आप काउंट करेंगे
कि आपने कितने दिए जलाए, एंड मैं देखना जरूर चाहूंगा कि किसने सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ दिए वो जलाए हैं। तो हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6, दीज आर 6। तो 6 की स्पेलिंग हम लिखेंगे S I N X, 6, दीज आर 6। आगे बढ़ते हैं, हमने यहां पे क्या बना रखा है, फ्लास्क। फ्लास्क तो सभी को पसंद होते हैं, क्यों? क्योंकि फ्लास्क दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो हम काउंट करेंगे यहां पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। 7 क्या होगा, 7 ऐसे लिखा जाएगा, एंड 7 की स्पेलिंग लर्न करते हैं, एस ई वी ई एंड एन, एस ई वी ई एंड एन क्या होता है, 7। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए ये क्या है, बैलून्स। बैलून्स को देखते हैं वो तो आपको क्या याद आता है, होली। होली क्यों याद आती है, क्योंकि होली पे आप बैलून्स के अंदर पानी भर के और उसको जब अपने फ्रेंड्स को मारते हो और होली खेलते हो। एंड वैसे आप कभी मार्केट में जाते हो तो बड़े बड़े बैलून्स होते हैं, एंड आप लोग जिद भी करते हो कि पापा मुझे ये बड़ा सारा बैलून चाहिए, मैं इसके साथ खेलूंगा, एंड है ना। तो ये क्या है, बैलून्स। और ये कितने हैं, काउंट करते हैं इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हुए, 8, क्या है ये, 8 बैलून्स। एंड 8 की स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे, हाँ देखिए, ई आई जी एच एंड टी, क्या लिखेंगे, ई आई जी एच टी, 8, क्या है ये, 8 बैलून्स। आगे क्या है, स्टार्स। स्टार्स हम कहां देखते हैं, आसमान में। एंड आपको पता है कितने स्टार्स हैं आसमान में, नहीं पता, क्यों? क्योंकि आसमान में जो स्टार्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, एंड इफ वी ट्राई टू काउंट देम तो हम उनको काउंट नहीं कर पाते। तो आप कोशिश करना कि स्टार्स को काउंट करके कि कितने स्टार्स हैं। तो हम यहां काउंट करके देखते हैं और हमें इससे पता चलेगा कि 8 के बाद क्या आता है। तो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो how many stars are these are 9. How many stars are these are 9 stars. And 9 की स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे, N I N E 9, N I N E 9। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या है, ये है चंद्रमा, क्या है, मून। एंड आपको पता है मून कितने होते हैं, मून एक ही होता है, बट हमने तो यहां पे बहुत सारे बना रखे हैं, क्यों, क्योंकि हमें इनको काउंट करके पता लगाना है कि यहां पे जो 9 के बाद नंबर वो आएगा वो क्या आएगा। तो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, कितने हैं ये, 10। एंड आप सभी को पता है मून कब दिखाई देता है, मून दिखाई देता है रात में, है ना, आप सभी ने देखा भी होगा। तो ये यहां पे कितने मून है, 10। तो 10 की स्पेलिंग हम लिखते हैं, टी ई एंड एन, 10। हाउ मेनी मून्स आर दीज, दीज आर 10 मून्स। तो एक बार रिवाइज करते हैं, 1, O N E 1, नेक्स्ट क्या आएगा, 2, उसके बाद आएगा 3, नेक्स्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। आप पीछे पीछे रिपीट करेंगे, मैं बोलता हूं 1, O N E 1, क्या हुआ, ये है 1, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, O N E, क्या बना, 1। नेक्स्ट आएगा 2, T W O,
क्या बना टू. नेक्स्ट थ्री, टी एच आर डबल ई थ्री. नेक्स्ट आएगा फोर, एफ ओ यू आर फोर. नेक्स्ट चलेंगे फाइव, एफ आई वी ई फाइव. फाइव के बाद क्या आएगा सिक्स, एस आई एक्स सिक्स. नेक्स्ट बढ़ते हैं सेवन, एस ई वी ई एन सेवन. उसके बाद आएगा एट, ई ई आई जी एच टी एट. नेक्स्ट आएगा नाइन, एन आई एन ई. एंड नेक्स्ट आएगा टेन, टी ई एन टेन. तो आई होप कि आप टेंथ तक काउंटिंग सीख गए होंगे. तो टेंथ तक हमने कर ली थी, उसके आगे बढ़ते हैं. टेंथ से क्या आएगा इलेवन, क्या आएगा इलेवन. और इलेवन हम ड्रॉ करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन. ये क्या है इलेवन, हमने काउंट किया इनको इलेवन. तो इलेवन की स्पेलिंग लिखते हैं ई एल ई वी ई एन. स्पेलिंग ध्यान रखना, स्पेलिंग ध्यान रखनी है आपको बहुत. ई एल ई वी ई एन क्या है इलेवन. उसके बाद क्या आएगा हम यहां पे बोल सुना देते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व. इलेवन के बाद क्या आएगा ट्वेल्व, क्या आएगा ट्वेल्व. ध्यान रखना ट्वेल्व, टी डब्ल्यू ई एल वी ई, क्या आएगा ये ट्वेल्व, टी डब्ल्यू ई एल वी ई ट्वेल्व. ट्वेल्व की स्पेलिंग आपको अच्छे से लर्न करनी है, क्या होता है ये ट्वेल्व. नेक्स्ट आएगा थर्टीन, क्या आएगा थर्टीन, क्या आएगा थर्टीन टीन. आप ध्यान रखना थर्टीन बनाते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन. क्या है थर्टीन, एक होता है थर्टी एक होता है थर्टीन. तो थर्टीन की स्पेलिंग लिखते हैं टी एच आई आर टी डबल ई एन. क्या हुआ ये थर्टीन, क्या हुआ थर्टीन. लर्न करना इसको थर्टीन. नेक्स्ट आएगा फोर्टीन, क्या आएगा फोर्टीन. नेक्स्ट आएगा फोर्टीन. हम देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन. क्या हुआ ये फोर्टीन. फोर्टीन की स्पेलिंग करते हैं एफ ओ यू आर टी डबल ई एन, क्या है ये फोर्टीन. फोर्टीन के बाद आएगा फिफ्टीन, क्या आएगा फिफ्टीन. कई बच्चे उसको फाइफ्टीन लिख देते हैं बट वो फाइफ्टीन नहीं होता, वो होता है फिफ्टीन. क्या होता है फिफ्टीन. काउंट कर लेते हैं यहां पर ड्रॉ करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन. क्या होगा फिफ्टीन. स्पेलिंग लेते हैं एफ आई एफ टी डबल ई एन, क्या होगा
15, नेक्स्ट आएगा 16, क्या आएगा 16, क्या आएगा 16, ड्रॉ करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, क्या हुआ 16, 16 की स्पेलिंग करेंगे S I X T double E N, क्या हुआ 16, क्या हुआ 16, हाँ, नेक्स्ट आएगा 17, क्या आएगा 17, काउंट करते हैं ड्रॉ करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17, क्या हुआ 17, स्पेलिंग देख लेते हैं S E V E N 7, उसके बाद आएगा teen, क्या हुआ 17, क्या हुआ ये 17, क्या हुआ 17, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 17 के बाद क्या आएगा 18, 18 पहले ड्रॉ कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 को हम कैसे लिखेंगे 18, ये लिखा जाएगा 18 एंड इसकी स्पेलिंग होती है E I G H T double E N, क्या हुआ 18, नेक्स्ट आएगा 19, क्या हुआ 19, 19 को हम लिखेंगे काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19, क्या हुआ 19, हम लिखते हैं स्पेलिंग N I N E T double E and N 19, क्या हुआ 19, उसके बाद आएगा 20, क्या आएगा 20, ड्रॉ करके काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, यहां पे 19 था एंड यहां पे 20 है, क्या है 20, कई बच्चे बोलेंगे 20 नहीं होता है, क्या होगा 20, स्पेलिंग देखेंगे T W E N T Y, आप स्पेलिंग में डिफरेंस देख सकते हैं 20, यहां पे था teen और यहां पे है T, क्या होगा 19 and 20, क्या होगा 20, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं 11, 11 की स्पेलिंग होगी E L E V E N, क्या होगा
इलेवन आप पीछे पीछे प्रोनाउंस करेंगे, ई एल ई वी ई एन इलेवन. नेक्स्ट आएगा ट्वेल्व, टी डब्ल्यू ई एल वी ई, क्या होगा ट्वेल्व. आगे आएगा थर्टीन, क्या आएगा थर्टीन, टी एच आई आर टी डबल ई एन थर्टीन. नेक्स्ट आएगा फोर्टीन, क्या आएगा फोर्टीन, एफ ओ यू आर टी डबल ई एन, क्या आएगा फोर्टीन. नेक्स्ट आते हैं फिफ्टीन, एफ आई एफ टी डबल ई एन, क्या आएगा फिफ्टीन. एंड नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा सिक्सटीन, क्या आएगा सिक्सटीन, एस आई एक्स टी डबल ई एन सिक्सटीन. नेक्स्ट आएगा सेवनटीन, एस ई वी ई एन टी डबल ई एन सेवनटीन. आगे बढ़ते हैं एटीन, ई आई जी एच टी डबल ई एन, क्या हुआ एटीन. नेक्स्ट आएगा नाइनटीन, एन आई एन ई टी डबल ई एन नाइनटीन. उसके बाद लास्ट आता है ट्वेंटी, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई ट्वेंटी. डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहां पे है 19 एंड यहां पे है 20. गड़बड़ क्या करोगे, या तो आप 90 बोल दोगे इसको, या फिर आप इसको 20 बोल दोगे, बट ये 19 होगा एंड ये 20 होगा. आपको ये मिस्टेक्स ध्यान रखनी है और ये लर्न करना है अच्छे से, इनकी स्पेलिंग करनी है, इनको नोटबुक्स में अच्छे से लिखना है. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी अच्छे से पसंद आई होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करना, ताकि ये जो मिस्टेक्स जो बच्चे आम करते हैं वो अच्छे से सीख पाएं. थैंक यू.